हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो गाइज, आज कुछ ऐसा सीन है कि पहली जो मैं वीडियो बनाया था, तो इससे पहले जो वीडियो बनाया था तो उसमें मैं बताया था कि आलू कैसे लगाते हैं, और आलू फाइनली हम लगा चुके हैं। और लगाने के बाद वो देख लीजिए, बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसमें हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं मम्मी? आलू। इसको अभी क्या करना है? गुड़ियाए। हाँ, गुड़ियाए। तो इसको हम लोग गुड़ियाते हैं, कोड़ते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें और हाँ, वीडियो को मजा लीजिए। फिलहाल हम दिखाते हैं आपको। तो गाइस, इस तरीके से गुड़िया दी जाती है। हम थक गए कोड़ते कोड़ते, अभी इतने कोड़ते तक भर में इसको कोड़ना पड़ता है किनारे किनारे। पहले वैसा रहता है, देख लीजिए, पहले वैसा रहता है, फिर इसको बाद कोड़ने के बाद ये हो जाता है पूरा बराबर मिट्टी। फिर इसको चढ़ाना पड़ता है, ये दीजिए, मिट्टी चढ़ा देंगे ताकि इसके कांदे जो हैं आलू का आकार तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। मिट्टी बढ़िया गोड़िया दे देते हैं ना, ताकि बड़ा बड़ा आलू निकलेगा और ज़्यादा रहेंगे। अभी मेरे को बहुत कोड़ना है, सारे कोड़ेंगे, थक गए जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। कोई मोबाइल पकड़ने वाले नहीं है। तो गाइस, आप लोग बने रहें, हम धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं। बच्चों कहाँ है आपकी? कितने दिन में कांदा बैठ जाए नहीं पता है भाई, इतने दिन से खेती कर रहे हैं, ये भी नहीं पता कितने दिन में हो जाए। फिर भी एक महीना लग जाए, एक महीना लगी है। तो गाई जी, मम्मी है, हम खोदते जाते हैं तो मम्मी उस मट्टी को गुड़िया लगाती जाती है। वो देखिए लगाने का तरीका, दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ाया जा रहा है, उसके किनारे किनारे कोड़ दिए हैं। बोल रही हैं कि एक महीना और लगेगा इसमें कंदे लगने के लिए। तो गाइस, एक लाइन हमने खोद दिया है पूरा, और मम्मी की बारी है गुड़िया चढ़ाना। तो मम्मी चढ़ा रही है गुड़िया, तब तक हम किसी और व्यक्ति से मिलाते हैं। इधर एक ठो बक्की बच्चा है, इधर सरसों का साग एकदम रेडी हो चुका है, देख लीजिए आप लोग
खाए होंगे तो बताइएगा कमेंट करके कैसा लगता है। हमने तो काफ़ी इसका मज़ा लिया है और इसमें हम लोग पानी डाल दिए हैं, तो पानी डालने की वजह से कुछ और मस्त दिख रहा है। फाइनली इधर भाई भी लगा है, ये देखें इस समय एकदम सिंचाई ही सिंचाई चारों तरफ से चल रहा है। तो हम उनसे भी मिलेंगे और कुछ बात करवाएंगे आपसे। तो हम चलते हैं, ये भी सरसों का साग है। तो पानी चल रहा है, क्यों बे बैठ के क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठे हैं, खेत सींच रहे हैं। बैठ के सींचते हो? हाँ, तो खड़ा होकर सींचते हैं। हाँ, खड़े होकर सींचो, लगाओ पानी एकदम। देख लीजिए गाइस, इधर पानी निकल रहा है, सरसों का साग है। और इसमें क्या बोया है यार? अच्छा अलसी है ना, सरसों अलसी है। इधर पीछे वाले में उसमें भी है भाई, लेकिन उसमें सरसों कम है। हाँ, है। चलो पानी लग जाएगा तो सारे में बढ़िया हो जाएगा। है चलो, और बढ़िया है, खाना पीना खा ली और सब मजे में? मजे में, मजे में। तुम्हारे लड़के बच्चे काम नहीं करते भी? चलो एक बार पानी लगा के दिखाओ कैसे कैसे पानी लगा। वो जा रहा है एक बार, कितनी इमरजेंसी पर। तो गाइस इसी तरीके से पानी लगाता है। चलो लगाओ, तो ये पानी लगा रहा है, पाइप मोड़ने वाला है, जिसको डिलीवरी सेक्शन बोलते हैं मोटर के। डिलीवरी है? अच्छा डिलीवरी है, वही वाला से है, मोड़ने में आसान रहता है। उधर डंडे वाले लगे हैं और उधर अपना घर है, और इधर ये दादी का खेत है, छोटी दादी के, दाई का। दाई बोलते हो दादी यार? दाई। अच्छा दाई, आजी वो पहले के जमाने में, हमारे जमाने में दाई, अब तो सीधा दादी कहते हैं लोग। अच्छा दादी बोलते हैं, लेकिन हम लोग अभी दाइया बोलते हैं। दाई, दाई को पतो को क्या बोलते हैं? काकी कि चाची? काकी। अच्छा अभी तुम लोग का किया करते, पुराने पद्धति से चल रहे हो ना, बहुत बढ़िया। ये तो आप नई नई जो आया है कल्चर, उसमें सब लोग कहते हैं चाची, आंटी। आंटी जी, नया ट्विस्ट आया है आंटी। चलो आज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लाइन जैसे कंप्लीट हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत खूब। हमने एक लाइन तो कंप्लीट करवा दिया है, आलू अपना कोड़ के आया है, मम्मी उधर चढ़ा रही है, इधर से जाएंगे। तो चलो गाइस अब हम चलते हैं अपने काम की ओर, भाई इधर काम करता रहेगा क्योंकि सबको अलग अलग काम बांटा गया है, तो अपने अपने काम में सब लोग लग जाएंगे। इधर भी सींचना है अभी ये पूरा। तो गाइस हम आ गए हैं, देखते हैं कितना आज इसका खोद पाते हैं। इधर लगा है गोभी, बोल रहे हैं गोभी को भी चढ़ाना है, और दो साइड से लगाए थे, एक ये वाली जो खोदा गया है वो आलू, और एक इधर, ये अभी खोदा है नहीं, और उधर टमाटर है, और इधर ये गोभी, तीन क्यारी गोभी है, इसको भी खोदना है। देखते हैं खोद पाते हैं केले कि नहीं, थक जाएंगे तो नहीं खोदेंगे आज।